तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ब्लॉग भी कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग की लोकेशन, जो शूट की लोकेशन होगी मेरी, वो मतलब आज भी BTS ब्लॉग शूट है, तो आज की लोकेशन अच्छी होने वाली है। ऐसा नहीं पूरी होगी, मतलब डिफरेंट से अच्छी होगी, मतलब पहले वाले से अच्छी होगी। सही है, तो फिर आज मैं शूट करने आता हूँ बाइक का, और अभी बस निकल गया हूँ यहाँ पे। पहले तो छोड़ूंगा भाई को यहाँ पे। हेलो एहसन, अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम। मतलब मेरा छोटा भाई मौली बच्चा, मतलब इतना ही अकेला निकल गया इस तरीके का पूरा खानदान। खैर बहरहाल, सीन सारा ये है कि यहाँ से इसको छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद जाएंगे नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर सीधा शूट पर। चलो भाई ऐसा ना, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, जल्दी से चलो भाई। अब छोड़ दिया ऐसा को हमने, और बस निकलेंगे अपने रास्ते के लिए, अपनी मंजिल के लिए निकलेंगे। बस अभी जा रहे हैं और नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद। ओए होए होए, क्या गिर गया इसका बेचारे का। मैंने कुछ देखा, कुछ गिरते हुए देखा, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है वो। ये बॉटल गिर गई बेचारे की यार। चलो तुम बेटा बॉटल बाद में उठाना। बस मैं निकल गया हूँ, तुम किधर पहुँच गए हो? मैं भी बस ये जोहर मोड़ की साइड पर हूँ, मैं पहुँच जाऊँ। बस सही है, सही है, मैं भी निकल गया हूँ, बस अभी उतरा हूँ घर से, बस मैं निकल गया हूँ। सही है, ओके ओके। क्या कह रहा हूँ, मेहनती लोगों से चिढ़ा तुम्हें? तुमसे बड़ा बेकार आदमी नहीं देखा मैंने तुम्हें, ऐसा ही लग रहा है कि दोस्त मेहनत कर रहा है तुम्हारी। पता क्यों चिढ़ा? क्योंकि इसको एडिट मुझे करना है, मैं भी इसलिए चिढ़ा है कि इसमें बहुत सारी क्लिप आ जाएंगी। मैं राज खोल नहीं रहा हूँ बहुत सारे, लेकिन इस वजह से छोड़ो, इसलिए मुझे खोल दूँ क्या राज में? मुझे मेहनती थी, तू से चिढ़ा बस, और किसी से नहीं। खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। मुझे नहीं ब्लॉग में खाता कैसे यार बनाओ। अल्लाह हाफिज़ कर दो सामा, टाटा। इतनी भी मैंने बातें बोली ना, इसे पता पीछे से क्या किया। इधर देखो, उधर देखो, एडिट करते हुए मैं हंसी काट रहा हूँ। 2000 years later भाई हम लोग निकल गए अभी, और 5 मिनट हमने नाश्ता करा है, लेकिन इतना लेट करा है, और 5 मिनट लगे भाई नाश्ता करने में। जैन भाई मैंने तुम्हें सुबह सुबह कॉल करी, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? मतलब 5-6 कॉल करने के बाद भी तेरी पहली कॉल आई ना, मैंने यूं करके हाथ रखा मोबाइल तक, हाथ नहीं पहुंचा। अच्छा, मैं ऐसे ही सो गया। 2-3 कॉल आए भी, मैंने सोचा कि मतलब दिमाग में कुछ आया कि कुछ बज रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मतलब दिमाग में कुछ आया कि बज रहा है, मतलब हाथ तुम लेकर के, और हाथ के बाद तुम्हें पता ही चला कि कॉल आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब तुम इतनी बेगैरती वाली हरकतें कैसे कर लेते हो? मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे मैं क्या करूँ, बस सो रहा था, ख्वाब वैसे देख रहा था। अच्छा एक मैसेज है, मेरी अम्मी अगर ये ब्लॉग देख रही है तो मेरी शादी करा दो। क्या बोला तूने? बहुत मतलब ख्वाब में ना मैंने शादियाँ देख रहा था अपनी, इतनी शादियाँ वो कवर कर रहे हैं ना हम लोग, कि बस अपने आप को दूल्हा बना हुआ देख रहा हूँ मैं। मतलब तुम इतने मतलब इंतहा फारिग करने चल रहे हो कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारी शादी हो रही है? मेरी चप्पल खो गई है, मेरी शादी है, खुद से खो गए, और मेरा बारात की ये ख्वाब देख रहा था मैं। और तुम्हारे वो जो कहते हैं साले, तुम्हारे जो वो कर रहे हैं साले, है ही नहीं साले, है ही नहीं तुम्हारे, क्यों पता ही नहीं अभी होंगे। हाँ तुम तो वैसे ही निब्बियों को पसंद करते हो ना, निब्बिया। यार ये कितनी औसम है, 8-9 साल की उम्र में मैं प्लान कर रहा हूँ अभी के जो है साला होना चाहिए। भाई आमिर भाई की जगह लेगा, आमिर भाई की पैदा हो रही है अभी वो। हाँ आमिर लिया करके ना यार, अल्लाह जगह किसी से मैं खैर। लेकिन बहरहाल बहुत इंतहाई घटिया हरकत करी है धन भाई तुमने, बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, कहते ना बेगैरती तेरे यहाँ से। वही तो आज फिर वही हुआ है पिछली बार की तरह कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और भाई नहीं पहुंची है, और ये तो वेट करते करते सो गया है यहाँ पे। क्या हो गया तुम्हें? है मतलब यार आज माइन के निकलने के भी 10-15 मिनट बाद निकला हूँ, लेकिन फिर मैं पहले पहुँची हूँ, और पिछली मुझे लोकेशन नहीं मिल रही है। तो भाई ये पहुँच गया मैं यहाँ पे लोकेशन पे, लेकिन लोकेशन तो यार ये अच्छी है, लेकिन माइन को समझ नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल से आई थिंक सो ये किसी हॉल में बनी हुई है, क्योंकि हॉल टूटे हुए थे।
जो करंगी में हॉल टूटे हुए, लेकिन उसकी जगह पर लोकेशन मिली है, बहुत टाइट लोकेशन है ये रही। सब रूम तक रखा हुआ है यहाँ पे, सब छोड़ो कि अच्छी जगह होगी, तुम्हें पहले से पता था ना ये बहुत बुरी जगह लग रही है तुम्हें, खंडर। हाँ यार जैन, इतना मुश्किल काम हो गया ना फोटोग्राफी करना, लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, क्यों भाई? ये आप ऐसे सुबह सुबह आना, धूप सर पे चढ़ा हुआ, और ऐसे खंडर में बैठे हो, मेकअप रूम में लेडीज बैठी हो, और हम यहाँ पे बाहर खड़े हो। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। है शॉट टेम्परेचर यार, मर गया। जिस दिन वैसे जल्दी आ नहीं सकती हो, मैं फायर करवाओ, पहुंच गई थी मुझे लोकेशन एग्जैक्ट, कोई नहीं बताती तुम्हें, तुम्हें सब पता था, तुम पहुंच गई थी, ऐसे तुम आगे चले, मैं कहूं शाम को फायर कराऊंगी मैं लेकी को, मैं पागल हूं तुम्हें ज्यादा नंबर फायर। तुमने आज वही करा, और मैं पता व्लॉग में बात बोलते निकला था कि माहिन को आज मैं ख्वार कराऊंगा, लेकिन मैंने कराया नहीं, मैं पहले पहुंच गया तुमसे। यार पिक्चर्स इतनी ऑन आएंगी यहाँ पे, माहिन क्या बात कर रही हो तुम, ये यही अच्छा लगेगा, वरना फिर दूसरे वाले भी देख लेते हैं। यार मेरे हिसाब से ना ये वाला वही वाला अच्छा लगेगा, एक बार वाले पे देखें, इसको ले लो, पकड़ लो, जाओ पकड़ो, मारेगी नहीं मारेगा। अरे बाकी में कह रहे दिल कर रहा है ना इसको, वो खुले दे दो, खुले पैसे सारे के सारे। यार मतलब मैं सच्ची बताऊं, माहिन साथ अच्छा तुम्हारा आ रहा है। थैंक यू। तुमने थैंक यू बोला था, ये बताओ मुझे, बात किसी को नहीं बोला था, आपसे करवाती हूं हमेशा शो। हैं मतलब मेरे अलावा कभी तुमने नहीं कराया नहीं शो? नहीं आप उसने दो दफा कराया। ये देखो ये मक्खन ही लगाओ, मैं कैसे मैं नहीं बोलता, नहीं नहीं कराओ, दूसरे लोगों से कराओ, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होता है लोगों को, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बस। तो फिर तुम जाके बैठ जाओ सुकून से, अच्छा है तुम्हारा एक ही ड्रेस है, और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, माहिन के साथ दूसरा ड्रेस करके फारिक करेंगे। हां आपको बस फारिक मेरी हो रही है तबीयत डाउन, मेरी तबीयत डाउन हो रही है बहुत, दिन शाम में भी आना है। दूर से हो गई हालत बहुत ज्यादा टाइट, और तीसरा ड्रेस अब माहिन का है। अबे ये तो पूरी चेंज हो गई, अबे यार कैसा लगा मेरा मजाक? तो घर घर चलते हैं माहिन, घर घर चलते हैं, नहीं नहीं अभी फौरन चलते हैं घर घर, तबियत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, वाकई में चक्कर आ रहे हैं। सोड़ी करा मैं तो गर्मी में, तुम तो एसी में बैठी हुई थी, सही है, तुम पैसे नहीं देना इनको, सही है। 2000 years later. So भाई finally shoot खत्म हो गया हमारा भाई, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। रैन कैसे कैसा कैसी हालत हो रही है अभी? बहुत मेहनत, अल्लाह ही करता है, ऐसी हो रही है बिल्कुल, पसीने पसीने। तो बस चलो भाई अल्लाह हाफिज, और माहिन आपको भी अल्लाह हाफिज। पीछे की लोकेशन थी प्यारी आ रही है, अल्लाह कैसा आपको बता नहीं सकता हूँ। ये नहीं लूँ, ये वाली लो, लूँगा तो मैं वो डलेगा सारा, सब सब डलेगा, मसला नहीं है। वो शूट करके कैसा लगा? मुझे मक्खन मक्खन मक्खन, नए चैनल है फॉलो करें वो, हाँ शूट करवा, देखो शूट तो करवा लेंगे, वो चैनल का तुम करो, आप लोग चैनल को
आ गई अम्मा की आवाज़। हाँ। तो बस चलो बस फिर अल्लाह हाफिज। भाई हालत हो गई है बहुत बुरी मेरी, और यार अभी गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं टेम्परेचर अच्छा खासा हो रहा है। और ये देखो ये शेड लगाने मसरूफ है यहाँ पे, 348 टेम्परेचर है। कितना 348 भाई, पागल हो गया कि मैं तो जाने का नहीं कर रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही है। चलो